अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहेब खान है और वन ब्रिक रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। जिस तरीके से थंबनेल के ऊपर चीज़ मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में है कि कोहिस्तान इनक्लेव में हम क्यों इन्वेस्ट करें, वाई टू इन्वेस्ट इन कोहिस्तान इनक्लेव और भी किसी और कोहिस्तान इनक्लेव क्या कोई और या किसी भी सोसाइटी में आप क्यों इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, जिस तरीके से हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एवरी पर्सन शुड नीड देयर ओर ओन होम्स। हर बंदे को अपने एक अपने लिए एक जो है वो घर की ज़रूरत है, अपने लिए मामलात की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक हर बंदे को लैंड परचेस करनी है, अपना घर बनाना है, दैन उसकी तरफ वो कल को मूव ऑन करना है। तो हम उस मूव ऑन के बाद हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं कि जिस जगह पर हम घर ले रहे हैं वो जगह सारे मामलात से क्लियर हो, गवर्नमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ क्लियर हो, दूसरी वो चीज़ इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हो, उसमें कल को मैं मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप सब लोग इजीली रह सकें, वहाँ पे वो घूम फिर सकें, वो शॉपिंग कर सकें, वो रात को वॉक, वो शाम को वॉक कर सकें, वो अपने घर वालों को लेके पार्क में मूव कर सकें, घूम सकें वहाँ पे। दिस इज़ द मेन रीज़न हम लोग चीज़ देखते हैं। थर्ड, सिक्योर। हाउ मच सिक्योर योर सोसाइटी इज़, आप में सोसाइटी क्या इतनी सिक्योर है कि मुझे ख़तरा नहीं हो, मेरे घर को ख़तरा नहीं हो, चोरी डाके इन मामलात से चीज़ क्लियर हो। ये चीज़ों को हम लोग देखते हुए कोई भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद आ जाती है लैंड कैसी है, जगह पे फीलिंग है, मामलात हैं, क्या है, क्या सिनेरियोज है, वो उसके बाद की कैटेगरीज है। और हाउ मच रीजनेबल इज़ दी सोसाइटी इज़। सो आई एम आंसरिंग यू ऑल द क्वेश्चंस। इसमें यही चीज़ें हैं। देखिए, नंबर वन इज़ कोहिस्तान इनक्लेव, वाई टू इन्वेस्ट इन कोहिस्तान इनक्लेव। आई मेक अप प्रॉपर वीडियो ऑन एवरी सोसाइटी इन दिस और इन वाक एंड इन टेक्सला रीजन, इस्लामाबाद रीजन। आई मेक एवरी पर्टिकुलर वीडियो ऑन दिस। वेल, टुडे आई एम रिप्रेजेंटिंग और आई एम शोइंग यू द कोहिस्तान इनक्लेव और इस बेस्ट पर्क्स। नंबर वन, कोहिस्तान इनक्लेव हैज़ द वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी, ऑब्वियसली सिक्योरिटी इन दिस रीजन। इस टाइम पे वाके और इसके प्रीमिसिस के अंदर नंबर ऑफ सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर गुलशन या अनवर है, B17 है, मल्टी गाजर, मल्टी ऑर्चर्ड, न्यू सिटी फेज 2 और भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जिनके मैं शायद नाम भूल भी गया हूँ, बट देर गोइंग वंडरफुल। बट कोहिस्तान इनक्लेव इस टाइम पे डेवलपिंग सोसाइटीज़ में नंबर वन पे जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स लाइक सिक्योरिटी, गुड एनवायरनमेंट और गुड डेवलपमेंट। ये चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं। ओके, सिक्योरिटी हम लास्ट में बात करेंगे, डेवलपमेंट में बात करते हैं। 2008-09 में गालबन ये सोसाइटी जो है वो वजूद में आई थी, मलक सलाहुद्दीन साहब ने ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और उन्होंने ये प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने घर आबाद किए। 2000 उसके कुछ अरसा बाद जो है मलिक सलाहुद्दीन साहब की इज्जत के बाद मलिक अदील साहब जो हैं उन्होंने इस वर्चुअल को आगे बढ़ाया, इस टेन्योर को आगे बढ़ाया और जनरेशन टू जनरेशन से कवर अप किया। और आज माशाल्लाह उस कोहिस्तान इनक्लेव की एक्सटेंशन 1 भी, 2 भी और 3 भी है वो मार्केट में आ चुकी हैं। पीपल आर कनेक्टेड, लोग जुड़ते जा रहे हैं, टीम बड़ी होती जा रही है, सोसाइटी बड़ी होती जा रही है एंड दे आर बीइंग वेल डन इन दिस पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद देखिए, कोई भी सोसाइटी जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इन सब चीज़ों को जिसने बताया देख के करते हैं, तो लोगों ने इनके ऊपर भरोसा किया, लोगों ने कोहिस्तान इनक्लेव को देखा, सिनेरियोस देखे और सस्ते प्लॉट्स देखे यहाँ पे, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास तबका ही रहता है, क्योंकि ज़्यादातर इधर फैक्ट्रीज के एरिया लाइक POF, वाकेंट, AWC, HMC इस तरह की पर्टिकुलर सोसाइटीज़ हैं जो जिनके एरिया यहाँ जो लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वो लोग अपने नॉर्मल अपनी रीजनेबल पॉकेट की उससे ही प्लॉट लेंगे एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। उसके बाद जो थी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर मेरे यहाँ पे घर भी है ना तो हम लोगों को सोसाइटी गेट पे एंट्रेंस करवानी पड़ती है अपनी। सोसाइटी के गेट में कोई एंटर हो रहा है तो उसको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे आईडी कार्ड दिखा के
गो इन दिस सोसाइटी, और मेरे घर में अगर कोई आएगा तो द गार्ड कॉल मी फ्रॉम द गेट कि आपके ये रिलेटिव आए हैं, शुड आई अलाउ हिम और नॉट। उसके बाद ये चीज़ों होने के बाद मुझे थोड़ा सा सिक्योरिज्म फील होगा, हाँ मेरा कोई पूछ गछ कर रहा है, मेरे मामलात हैं यहाँ पे मेरे घर के बाहर। अगर फॉर एग्जाम्पल की अननोन गाड़ी भी खड़ी होगी तो सिक्योरिटी विल कॉल मी कि आपके घर के पास फलां 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 नंबर की गाड़ी खड़ी हुई है, या आपके घर कोई आया है या नहीं है, मतलब दे आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द थिंग्स। तो मैं कल को अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, हर चीज़ को मैं लेकर एटलीस्ट घूम सकता हूँ वहाँ पे। मुझे इस चीज़ की फिक्र क्योंकि एनवायरनमेंट एक डिसिप्लिनड है, वेल मैनेज्ड है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन टू इन्वेस्ट इन कोहिस्तान एनक्लेव। नंबर टू, डिवेलपमेंट। देखें, डिवेलपमेंट है तभी ये सोसाइटी एक्सपेंड हो रही है, सोसाइटी बढ़ रही है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी तो ये डेवलप्ड हो रही है। वरना कोई अपनी पॉकेट मनी से ऑब्वियसली सी बात है इस चीज़ को तो नहीं आगे लेके चलेगा। सोसाइटी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तभी सोसाइटी डेवलप्ड हो रही है, साथ साथ चीज़ों को मेंटेनेंस लेके चल रही है। एक्सटेंशन वन, उसके अंदर रूट स्कूल्स एंड रूट्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम आ गया है, नंबर ऑफ ब्रांड्स वांट टू कम देयर। उसके बाद एक्सटेंशन टू, एक्सटेंशन थ्री, एंड नाउ एक्सटेंशन फोर इज लॉन्च्ड इन कोहिस्तान एनक्लेव। अभी तक इन्होंने अपना, अब जो है इन्होंने अपना मोटरवे इंटरचेंज जो है 72 मोड़ का, वहाँ से अपना नया रास्ता निकाला है। ऑब्वियसली इन्होंने इतना ग्रो किया है, सोसाइटी कितना एक्सपेंड किया जो वहाँ तक ये पहुँचे हैं। जीटी रोड मोटरवे को कनेक्ट कर दिया इन्होंने आपस में अपनी सोसाइटी के थ्रू, और ऑब्वियसली द रेट्स विल गो हाई इन द फ्यूचर। अगर आप इन्वेस्टमेंट का मौका देख रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन दिस टाइम। उसके बाद अपनी लैंड को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, सोसाइटी का हर एक छोटा छोटे इदारे बने हुए हैं जो आपकी लैंड का चेक एंड बैलेंस करेंगे, आपकी जगह का चेक एंड बैलेंस करेंगे कि आपने कितने स्क्वायर फुट, कितने फुट पे फिलिंग है, कितने फुट पे नहीं है, कितने फुट नीचे जाना है, और आपने घर बनाना है तो नीचे आपने राफ्ट ज़रूरी डालनी है। हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस है यहाँ पे। आपको जो बाइंग एंड सेलिंग होगी आपकी, वो एक जो वहाँ का करंट रेट जा रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली होगी। नाइदर अ डीलर नॉट अ इंडिविजुअल कैन सोल्ड यू ऑन अ एक्स्ट्रा रेट और चार्ज यू एन एक्स्ट्रा रेट, नहीं, वो आप में ऐसा नहीं होगा वहाँ पे कि भाई आपको एक्स्ट्रा बाउंड्री पे करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा नहीं है। उसके अलावा जब भी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग आपको बताई जाएंगी चीज़ें कि आपने इतने अमाउंट पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने घर पर आपने लैंड परचेज की है तो आपको कॉर्नर चार्जेस एक्स्ट्रा देने होंगे, वो हर हाउसिंग स्कीम में आते हैं, आई थिंक होता है। उसके अलावा आपको इतने इतने मेजर फेस मेजर रोड पे चाहिए, या आपको ग्रीन फेसिंग में चाहिए, पार्क फेसिंग में चाहिए, उसके ऑब्वियसली से चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। दिस इज द ओवरऑल रिव्यू ऑन कोहिस्तान एनक्लेव और व्हाई टू इन्वेस्ट इन कोहिस्तान एनक्लेव। वेयर एज अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं जो आपकी ब्रैकेट को 35-40 के राउंड अबाउट कवर करती है, एक नॉर्मल सब 5 मरले का प्लॉट, यू कैन इजीली फाइंड इट करंट टाइम पे। आप उस चीज़ को देख सकते हैं, जनवरी 2022 है और आप उस चीज़ को इजीली अवेल कर सकते हैं, एक अच्छा प्लॉट एक नॉर्मल अपने 5 मरला के लिए। और ऑब्वियसली सी बात है फ्यूचर में प्राइसेस बहुत हाई जानी है और हाई हैं भी। कुछ जगह पे 5 मरले का प्लॉट इस रेंज में मिलेगा, कुछ जगह पे 5 मरले का प्लॉट आपको 50 तक की रेंज में मिलेगा। बट इट्स डिपेंड ऑन साइज टू साइज, इट्स डिपेंड ऑन एरिया टू एरिया, वो एरिया टू एरिया पर डिपेंड करता है। बस ये एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास बंदा जो चीज़ देखता है चीज़ें, उसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई है, उस हवाले से कुछ चीज़ें मैंने शेयर की हैं। फर्दर कुछ चीज़ें होंगी जो मैं स्किप कर रहा, यू कैन ईजीली टेल अस इन कमेंट बॉक्स, आई रीड इट और मैं उसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना के दूंगा। अगेन दिस इज़ नॉट अ बाइस्ड वीडियो, मैं क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा हूँ, मामला देख रहा हूँ, देन आई मेक अ प्रॉपर वीडियो फॉर यू गाइज। मुझे कोई भी सोसाइटी पे नहीं कर रही है या कोई सोसाइटी के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रियल्टर हूँ, वन ब्रिक रियल्टर फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसको और जो लोग इस्लामाबाद प्रिमिसेस में और टेक्सला के प्रिमिसेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि हर सोसाइटी में चल के आ रहा है, किधर के क्या मामला आते हैं। मेरा नंबर मेंशन है, मेरा नाम सोहेब खान है, आप मुझे इससे रब्ता कर सकते हैं। और कोहिस्तान एनक्लेव की पर्टिकुलर जगह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई चार्जेस नहीं है, यू कैन ईजिली टेल मी
मैं आपको हर चीज़ के बारे में गाइड कर सकता हूँ जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे चीज़ों के बारे में शायद मुझे अगर थोड़ा बहुत मुझे पता है तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मुझे 100% तो नहीं पता होगा, शायद मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हो, बट जहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ मैं आप लोगों से सीख लूँगा, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ नहीं पता हो तो मैं शायद आपको गाइड कर सकूँ। अल्लाह ताला आपका और हमारा नाम भी नासिर हो। थैंक यू सो मच।